शांतिधारा आरंभ कर सोचना है। आज की शांतिधारा जरूर श्रवण जरूर कर लेना, जिससे आपके जीवन के अंदर घटनाएं दुर्घटनाएं रुकती है। और जीवन के अंदर धारा जो मनुष्य देखता है उपद्रव और विघ्न दूर हो जाते हैं। तो आप सभी के जीवन के अंदर विशेष तौर पर जो है व्यायाम करना है, तो सबसे पहले सुबह उठते ही आप मोबाइल की स्क्रीन को मत देखिए। उसके निकलने वाले रेज, उससे निकलने वाले रंग आपके आंखों के बर्बाद कर देंगे, और आपके ये जो जो है है जो आंखें की जो रोशनी है खत्म कर देगी। आपका चश्मा भी है तो उतर जाएगा, आपकी आंखें लाल हो तो कम होने लग जाएगा। आपके जीवन के अंदर जो भी आंखों के संबंधित दोष है, चाहे वह शुगर के कारण हो, चाहे वह बॉडी के अन्य ऑर्गनों के विकृति के कारण हो, या अन्य कोई भी हो, जो मैं व्यायाम बता रहा हूँ, 7-10 प्रकार के आपको प्रयोग बता रहा हूँ, ये करिए और अभी से ही आपको लाभ शुरू होने जाएगा। आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे लाभ होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, पहला पॉइंट सुबह उठते ही, क्योंकि आंखें जो है रात भर बंद रहती है, नाजुक हो जाता है और बहुत ही सूक्ष्म होता है। और सुबह उठते ही, अब उठते ही आज लोग क्या है, मोबाइल देखना शुरू करते हैं, यूट्यूब देखना शुरू कर देते हैं, गेम खेलना शुरू कर देते हैं या और चैटिंग शुरू कर देते हैं। तो कृपया सबसे पहले आज के बाद, जब तक उठने के बाद आधा घंटा 1 घंटे तक मोबाइल को मत देखिए, एक सूचना। दूसरी सूचना, उठते ही जो है आप थोड़ा सा, या उठने के बाद या आधा घंटा फ्रेश होने के बाद, नहा धोने के बाद आप लंबी जो है ये देखिए, क्या बोलते हैं, पूरा राउंड ग्राउंड अगर आपके घर के सामने है उसको देखिए। अगर वो नहीं होता है तो आकाश, छत को देखिए, आकाश के अंदर आंखों को दूर तक देखना है और नासाग्र दृष्टि करना है, नाक के टोंक पर ले जाना, फिर ऐसे लंबा पूरा देखना है और वापिस नाक के छोर पर लाना है, पूरा लंबा देखना है और नाक के पर, एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग, आजू बाजू पेड़ पौधा अगर हो, पेड़ पौधा हो तो जो है वो पेड़ पौधे को देख लेना। तुरंत आपके अंदर आंखों में जलन हो रहा हो, आंख के अंदर कोई भी डिफेक्ट हो रहा हो, आंखों में कोई भी प्रकार की पानी आ रहा हो, या आंखों की रोशनी बढ़ रही हो, नंबर बढ़ रहे हो, तो तुरंत आपके ये तुरंत इफेक्ट करना शुरू कर देगा। आप थोड़ा सा एक 5 मिनट 10 मिनट जो है आप हरी भरी घास को देखिए, हरी भरी पेड़ को देखिए, फिर पेड़ को देखना है, फिर नासाग्र दृष्टि करना है। उसके बाद पहला स्टेज, पूरा जैसे पूरा आकाश या पूरी खुली जमीन को देखना है, फिर नाक को देखना है, एक स्टेज। दूसरा स्टेज, पूरा हरी भरी घास या पेड़ पौधे को देखना है, फिर नासाग्र दृष्टि करना है। ये व्यायाम है, ये प्रयोग है, ये आपकी 100 साल तक आपका, अगर ये जो मैं बता रहा हूँ 10 स्टेज बता रहा हूँ, ये करोगे तो आपकी 100 साल तक चश्मा नहीं लगेगा, और मैं दावा करता हूँ आपका चश्मा है उतरने लग जाएगा, और आपको 100% बता रहा हूँ फायदा, केवल 10 मिनट के अंदर आज ही करोगे तो आज ही आपको जो है फर्क पड़ेगा, आज ही आपको जो है इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद पहला उठना है, मोबाइल नहीं देखना है, दूसरा जो है खुली ग्राउंड को देखना है और अपनी आंखों को देखना है, और तीसरा जो है हरियाली को देखना है और अपने नाक को देखना है। तीसरा स्टेज, तीसरा स्टेज में क्या करना है, ये उंगली लीजिए, कोई भी उंगली लीजिए, आपको 8 प्रकार के, आज जैसे टाइप करते ना, जैसे टाइप करते कंप्यूटर से टाइप करते ना, वैसे जो है 8 आकृति बनाना है, 8 अंक बनाना, जैसे 1 2 3 6, ऐसे 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 टाइप करते जाना आंखों के, ऐसे यहाँ 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 मसाज होते हैं, स्नायु होते हैं, तो आप ऐसे टाइप करिए, टाइप करते जाइए, आंखें बंद करके टाइप करना है और श्वासोश्वास लेते हुए टाइप करना है, एक 5 मिनट करते जाइए। ऐसे करने से आंखों के अंदर जो स्नायु है, रोशनी को जो बंद करने के जितने भी ब्लॉकेज हो रहे खुलने लग जाए, तो
आप दे 8 अंक, जो 8 होता है इंग्लिश का, 8 होता है वो बनाइए ऐसे ऐसे जो है, इसको टाइप करिए, टाइप करते थोड़ा से ऐसे 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 मारते जाना है, तो उसको टक 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 जैसे हथौड़ा से जैसे मूर्ति को उखेरा जाता है वैसे टक 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 दे, हर एक पॉइंट पर उसको जो है आप आंखें बंद करते हुए आप देखिए, तुरंत आपको रिलीफ होगा और वहां के आंखों के संबंधी जितने स्नायु हैं वो विकसित होंगे। ये जो है तीसरा स्टेज है, 8 अंक बनाना, तुरंत बनाते जाइए, देखिए तुरंत आपको इफेक्ट शुरू हो जाएगा, तुरंत आपकी आंखों में आपका प्रभाव उपयोग पड़ेगा। एक पाए, उसके बाद यहाँ नाक का जो ये है, यहाँ नाक का हड्डी जो होती है, अंत होता है वहां, उसको थोड़ा दबाते जाइए। जिनके जो हमेशा सर्दी, हमेशा जो है एलर्जी होता है, तुरंत जो है गला बंद हो जाता है, सर्दी खांसी हो जाती है, ऐसे यहाँ जो है हड्डी जो इनकी टेढ़ी होती है, उससे जो है नाक कान आदि आंखों की समस्याएं है, वह यहाँ दबाने से, ये हमारा जो है यह चौथा स्टेप है, यहाँ दबाते जाइए थोड़ा सा, 1-2-3 मिनट दबाते जाइए, यहाँ की हड्डी जो सीधी होगी, वहां जो भी मल आदि है और धूल आदि है, कण है, उससे जो है वहाँ के स्टॉकेज है क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नाखागर भाग, उसके बाद थोड़ा सा आगे स्टेज इसको थोड़ा सा आगे इसी प्रकार जो इसको नाक के अग्र तक, वहां से लेकर के नाक के अग्र तक जो है दो लंबा सा थोड़ा सा प्रेस करते हुए मालिश कर लीजिए, और मालिश करते जाइए, और ऐसे करना से जो है आपकी आपकी जो है वहाँ जो भी सर्दी है या आपकी बैक्टीरिया है, अनेक प्रकार के स्नायु जो है वीक हुए वो सब जागृत होंगे और आंखों की रोशनी जो है बढ़ती जाएगी। उसके बाद धीरे से जो है ये आंख की जो पलक है, ये आंख की पलक को थोड़ा सा मालिश करते जाइए, आंखों से सहलाते जाइए, ये आगे का स्टेज। उसके बाद इसको भवे को जो उसको थोड़ा सा मालिश करिए, इसके जहाँ के केस होते हैं वहाँ थोड़ा सा इसको मालिश करिए। उसके बाद ये जो कॉर्नर होता है, आंखों का जो कॉर्नर होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ टक 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 करते हुए जो है हाथों से इसको मारते जाइए, उंगली से मारते जाइए, जिससे जो ब्लॉकेज है वो सारे जो है क्लियर होते जाएंगे। उसके बाद ये इससे आपका चश्मा उतर जाएगा, और कभी भी अगर चश्मा कभी लगेगा ना, जो पॉइंट बता रहा हूँ ये करते जाओगे, अगर आपको समझ नहीं आया तो बाद में यूट्यूब देख लेना, कि मैं बार बार बताना कठिन हो जाएगा, एक बार बताऊंगा दोबारा बता करके मैं प्रयोग करके बताऊँ। उसके बाद यहाँ करते जाइए, और ये करने के बाद जो है कॉर्नर पर करिए, और थोड़ा हाथ को जोर जोर से घिसिए, और हाथ को घिस कर उसके ऐसे जितना हो सके गर्म करिए हाथ को, संघर्षण कर करके, हाथों को घर्षण कर करके, फिर उसके बाद यहाँ लगा लीजिए, आंखों पर लगा लीजिए। अगर इस प्रकार आप करोगे, और उसके बाद प्राण मुद्रा, मैंने बताया ना ये जो उंगली है 5 उंगली है, ये दो उंगली को जो विट्रिया करते हैं वैसे ऐसे कर लीजिए, उसके बाद इसको जो है उंगली कर लीजिए, और ये दोनों को करके आराम से थोड़ा सा श्वासोश्वास लेना है, छोड़ना है, और इतना कर लीजिए, ये पॉइंट कर लीजिए, देखिए आपका अगर चश्मा भी होगा ना तो उतर जाएगा, और अगर डेली 5-10 मिनट कर लोगे, और जो है आपके 100 साल तक जो है चश्मा नहीं लगेगा, दावा के साथ कहता हूँ। तो आपको पता है, दोबारा मैं बताऊँ आपको, मैं करते जाऊंगा। पहला पॉइंट आप सभी को पता है, सुबह उठना है मोबाइल नहीं देखना है, मोबाइल का स्क्रीन नहीं देखना, अभी तुरंत आपको रिलीफ हो जाएगा, आप अभी करिए और झट के पट आपको रिलीफ हो जाएगा, आंखें के अंदर अलग सा एक अनुभव होगा ना, अलग सा एक आपको इफेक्ट पड़ेगा, तुरंत आपको रिजल्ट आएगा, 10 मिनट के अंदर रिजल्ट आएगा, आपकी आंखों में पहले आंखें और अभी आंखों में डिफ्रेश हो जाएगा। तो सबसे पहले सुबह उठते ही उठते उठते मोबाइल कभी मत देखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, उठने के बाद मैदान देखिए, खुले मैदान को देखिए, और आंखें जो है नासागर दृष्टि को तर करिए, आगे लंबा जोर से करिए, आगे देखिए और बंद करिए, हरी घास को देखिए, नाक के नाकाग्र करिए। उसके बाद तीसरा पॉइंट है,
जो है ये जो उंगली से, अब इसको धीरे 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 दबाते, आठ आठ प्रकार के अंक को बनाना है। उसके बाद अंक आठ बना करके और यहाँ जो है अग्रभाग में फिर दबाना है, फिर उसके बाद यहाँ नीचे खींचना है, उसके बाद जो है भुवे का मालिश करना है और आंखों के पलकों को सहराना है, नाखा करके भाग को दबाना है कोने को, और उसके बाद घर्षण कर करके हाथों को, हाथ तो यहाँ लगा लेना है गरम गरम, और उसके बाद प्राण मुद्रा को बनाना है। ऐसे करके इतना जो है 10 पॉइंट है, आप करिए देखिए चमत्कारिक लाभ जो है। ना कोई मंत्र, ना कोई तंत्र, ना कोई बीजाक्षर, मात्र जो है आपके शरीर के ये प्रयोग के माध्यम से आंखों की समस्या दूर होगी। और मंत्र की अपेक्षा कर रहे हैं तो भक्तामर का पहला श्लोक जो है आप बोलिए। पहला, भक्तामर प्रणत मूलि मणि प्रभानम मुद्धोतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युहं युगादा वालम वनम भव जले पतताम जनाम, बोलते हुए बाद में पानी से आंख को धो लीजिए और ठंडा पानी से आंख को धो लीजिए। देखिए चुटकी भर में आपके जीवन में चमत्कार होगा और अनेक आंखों की समस्याएं दूर होगी। आइए आप नाम की पर शांति धारा शुरू करते, कल जो है विशद व्याख्या करेंगे इसी आंखों के ऊपर और ज्ञान बुद्धि बढ़ाने के ऊपर। कल आपको इसी व्याख्या सुनना है, बुद्धि कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, इसके बारे में जो है कल विशेष व्याख्या शुरू होगी। अभी शांति धारा होगा, जिनके नाम से भी शांति धारा करना है वे अपने नाम जल्दी से प्रस्तुत करें। अभी शांति धारा